बीजेपी के प्रदेश महामंत्री अशोक कटारिया कानपुर में चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने सीएसए के कुलपित सुशील सोलेमन से किसानों के मुद्दे पर बात की। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार की जमकर तारीफ की। वहीं कुलपति ने भी कृषि विश्वविद्यालय की उपलब्धियों को सामने रख बताया कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स किसानों के हित के लिए रिसर्च कर रहे हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की प्रेरणा से भारतीय जनता पार्टी देश भर के अंदर संपर्क से समर्थन अभियान में संपर्क करने के लिए समाज जीवन के विशिष्ट जनों से मिलने जा रही है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वच्छ एटीएम का फीता काटकर उद्घाटन किया था। शहर को प्लास्टिक और गंदगी से स्वच्छ रखने का भी कहा था। शहर की समस्याओं से अनदेखी करने वाले अफसरों ने भी अब मुख्यमंत्री से मजाक कर दिया है। स्वच्छ एटीएम उद्घाटन के दिन नगर निगम ने कानपुर में 8 जगह पर एटीएम लगवाए थे, लेकिन मुख्यमंत्री के जाते ही सभी एटीएम बंद हो गए। और देखिए, लगभग सारे जो एटीएम्स हैं हम लोगों ने उसको वर्किंग कंडीशन में ही लगाया है। कई बार ऐसा होता है कि ये जब तक लाइट नहीं रहेगी चलेगी नहीं, तो कहीं पे यदि बिजली ना हो तो उस दशा में वहाँ पे काम नहीं करेगा, या किसी को प्रोसीजर की जानकारी ना हो कि किस प्रोसीजर के थ्रू हमें काम करना है, तो उसमें थोड़ी बहुत असुविधा हो सकती है। इसके लिए हमने ये प्रयास किया है, संबंधित कंपनी को हमने बोला है कि शुरुआत में कम से कम एक दो महीने अपनी कंपनी की तरफ से एक एक प्रतिनिधियों को एक एटीएम पे रखें, जिससे जो लोग आए वो उनको किस तरह से यूज करना है लोगों को जानकारी हो जाए।